अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम है रूस ब्रेकर। और मैं हूं उस्मान। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना आपका हक बनता है, ठीक है, क्योंकि मैं फैमिली मेंबर हूं और आप लोग भी फैमिली मेंबर है। जो जो रिमोरा व्लॉग को देखता है वो सारी सारी बात है, इसलिए मेरे चैनल पर रिएक्शन देखने आई है ना, तो आप लोगों ने भाई अपना फर्ज निभाना चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, जो मर्जी कर लो। आप सबको पता है कि आपका भाई आपकी रिक्वेस्टों पर रिएक्शन लेके आता है, क्योंकि मेरे पास अपनी कोई होती नहीं चॉइस, तो आप लोग ही मुझे चॉइसें सेंड करते हैं। इतनी रिक्वेस्ट है, कोई भी यूट्यूबर कोई भी रिएक्शन वाला आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं करेगा सिवाय मेरे। तो आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट से मुझे बता देनी है ताकि मैं उस पर रिएक्शन दे दूं। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरी हो तो भाई जान ज्वाइन बटन क्लिक करना, आपने वहां पे जाके मेंबरशिप खरीद लेनी है। अगले दिन आपकी रिक्वेस्ट डन 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 पूरी, क्योंकि अपन पार्ट टाइम जॉब करता है, ये फुल टाइम तो है नहीं, और जॉब नहीं फन के लिए करता हूं। तो अगर फुल टाइम हो जाएगी तो फिर हम जॉब छोड़ देंगे, लेकिन फुल टाइम के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कहां से आएगा, यूट्यूब तो पैसा देता ही नहीं हमें, क्योंकि हमारी मोस्टली वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम होता है, तो इसलिए ये जस्ट फन के लिए। और अगर आप चाहते हैं और ज्यादा सपोर्ट करना तो मेरा व्लॉग चैनल है, उसको जो आगे चेक करो, रूल्स ब्रेकर्स व्लॉग मिल जाएगा आपको, ठीक है। आज मिलकर देखते हैं आज की ये वीडियो, जो कि मुझे काफी बार रिक्वेस्ट की है आप लोगों ने, जो कि मुझे इतने प्यार से देखते हैं। उन्होंने कहा था कि जाके प्लीज बैड जोक पे वीडियो बनाओ, जो कि बैड जोक चैलेंज रिमोरव व्लॉग, और जिसमें मोहिना गौरव और ऋषि है, मतलब हमारा पूरा रिमोरव बैक, रिव्लॉग नहीं रिमोरव। तो आज मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इसके बारे में बात, तो स्टार्ट करते हैं। Hey guys, welcome to Remora Vlogs। और आज हम ऐसा करने जा रहे हैं जो हम हमेशा ही करते हैं, और वो है बैड जोक्स चैलेंज, यानी कि बैड जोक्स, यानी कि बैड 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 जोक्स चैलेंज। कुछ एक बार तो बोल दो मेरे साथ। अरे तो हम हमेशा कब करते हैं? Just because you were the bad jokes doesn't mean हम लड़ाई के फील में हैं। हाँ, हमें हराना है। आज मैंने हरा दूंगा, क्योंकि ये हमेशा बोलते हैं मैं तेरे से बुरे पीजेस डालता हूँ। गाइस, इन लोगों के बुरे पीजेस ऐसे होते हैं कि मैं तो कभी उनमें एंटर ही नहीं कर पाती हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं पाती है, तो इसीलिए मैं अलग न्यूट्रल से कलर में हूँ। लेकिन हाँ, मैं भी अपना जोक का पावर आजमाऊंगी, बट पहले ये दो शातिर होनहार तगड़े कलाकार पागलदार लोग भिड़ जाए, शुरू करते हैं हमारा बैड जोक्स चैलेंज। तो ये जो बैड जोक्स होने वाला है, इसमें हम एक दूसरे को देखकर जोक्स बोलेंगे, okay. लेकिन हम जीतेगा कौन बताओ? बेसिकली गाइस, अगर ऋषि ने इनको जोक सुनाया और okay. ये हंस दिए तो okay. इनका पॉइंट खत्म हो गया। पॉइंट ऐसे खेल नहीं रहे हैं, एंड में डिसाइड हो जाएगा कौन जीता कौन हारा। तो वो कर ले बुगाई, कर लेंगे ऐसे बैठ। 3-2-1 गो भाई। ओ हम बोलो, हम यही बैठना है, कोई चेंज नहीं, आप एंजॉय करो। तो मैं एंजॉय करूं? हां ओके। आप दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो। पहले जोक कौन बोलेगा? ओ ले, हम बोलेंगे, आप तो शुरू करो अपना, तुम फाटक हटाओ। नहीं, पहले तुम दोनों चूज करो। क्या क्या? आइसक्रीम नहीं, इधर आओ। डीओपी नहीं, नंबर कौन सा होता है ये? पीछे नंबर कौन सा? हां वो करो। तो हां, एक या दो? दो। एक या दो? तो एक ही हुआ तो बैड जोक शुरू अभी से हो गया। और यार दो, हाँ मेरे दो, मैं टॉस कर लेता हूँ। ये क्या था? ये मैंने सिक्का निकाला, दो था, तो मैं शुरुआत करूँ। ठीक है, आप शुरू करना। तो अब शुरू होने वाला है इन दोनों के बीच में मुकाबला बैड जोकों का। गो। आदमी की शक्ल ही कॉमेडी वाली है। ये तो हंसे जा रहे हैं। जोक तुम बोल रहे हो, ये तू क्यों हंस रहा है? ये बोल रहे हैं। मैं खुद बोलता हूँ। एक बार एक मुर्गी बड़े गुस्से में थी। ओह, दूसरी मुर्गी ने पूछा, तेरे को क्या हुआ? कहती, मुझे मेरे मालिक ने डांटा। कहते, क्यों डांटा? कहते, तुमने ये अंडा इतना छोटा क्यों दिया? कहते, फिर तू क्यों इतनी नाराज होगी? कहती, मैंने बोला अब मैं तेरे 2 रुपए के चक्कर में अपना फिगर खराब। एक सज्जन व्यक्ति था, उसने 7 वर्षीय छोटी बच्ची से पूछा, बेटा तुम्हारे बाल बहुत सुंदर, ये तुम्हें पापा से मिले या मम्मी से? पता है बच्चे ने क्या बोला? मम्मी से तो नहीं,
लगता है पापा से है क्योंकि वो गंजे एक रास्ते में एक्सीडेंट होता है, वो एक्सीडेंट होता है और लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। एक गौरव जैसा बंदा वहां पहुंचता है, वो देखता है उस वारदात को और चिल्लाने लगता है, दूध लाओ दूध लाओ दूध लाओ। एक बंदे के पास पैसे तक नहीं थे, वो जैसे तैसे जाके दूध लाया, उसे लाके दूध दिया। गौरव के गौरव दूध लेते ही खुद पी लिया, कहते ये क्या हो गया, कहता मेरे से देखा नहीं जा रहा। चंटू बड़े थकान भरे दिन के बाद घर पे आया चंटू। हाँ, स्कूल से। अच्छा, उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? बेटा क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? पता चंटू ने क्या कहा? पहले तो मैथ के पहाड़े, उसके बाद में अंग्रेजी का निबंध, और फिर टिफिन में एक कद्दू की सब्जी। ये जोक्स पढ़ता है, संस्कृत पढ़ के आता है। आई डोंट नो व्हाट ही डज। क्या था गौरव भाई, ये क्या था? यस टाई हो गया हम दोनों के बीच में। अब अपुगाई 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 हमारा फेस ऑफ टाई रहा, हमारा फेस ऑफ टाई रहा। ओके, अब हम फिर से पुगाई करेंगे। पुगाई क्या? अब कौन आएगा? मोइना तू आजा, मोइना तो आएगी, हम दोनों में से कौन आएगा? हाँ, ये कौन, ये कौन, दो कर लेते, एक या दो। हाँ, एक या दो। मैंने भी किया आप बोल, एक या दो, एक मेरे वाले का आप जीत के दिखाओ तो मानो। चल ठीक है, बोलो एक या दो। दो दो रेडी ओके, कोकिला बहन रेडी ओके, शुरू कौन करेगा? मोइना। एक गांव था, गांव में बहुत सारे फार्मर्स थे। अच्छा, एक गांव था, गांव में बहुत सारे फार्मर्स थे, और वो फार्मर्स कहीं जा रहे थे, उनके पास सिर्फ एक रास्ता था। Okay. सारे फार्मर्स एक जगह आ गए क्योंकि सबको काम पे एक साथ जाना था, और वहां पे सब अटक गए। और अटक गए तो कोई वो एक दूसरे को एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि क्या हुआ वहां पे, तो उसने बोला वहां पे किसान जाम था। पानी इतने सारे किसान अटक गए, लड़की नहीं अटकी, बिल्कुल रट के बोला है। अबे तुम क्यों, तुम खेल रहे हो? मैं फील में आ जाता हूँ, पीछे रहो। नॉक नॉक, हू इज देयर? हू आई डोंट नो, हू हू हू। Why are you sounding like owl? Yes, yes. ये बड़ा इंग्लिश वाला जोक था, तो मैं समझ में आया। तभी मैं बोलूँ। ओके, मेरी बारी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक बहुत ऐतिहासिक शो था। बिल्कुल। उसमें एक बात थी, ठीक है? बा कभी मरी क्यों नहीं? वाकई यार, क्यों नहीं मरी थी? तू चुप रह। यार मैं। बा कभी मरी क्यों नहीं? अलादीन का जिन थी? क्योंकि बा was God. बा खुदा तुम ही हो, बा खुदा तुम ही हो। अच्छा था, नहीं अच्छा था, अच्छा था। मुझे अच्छा लगा। एक बार रव को फोन आता है ऑडिशन के लिए। रव पहुंचा ऑडिशन, हमेशा की तरह। हाँ, उन्होंने पूछा, रव तुमने इससे पहले कौन सा शो किया? उन्होंने बोला, कोई किया है? उसने बोला, मैंने किया है। बोले, अगर तुमने किया है तो तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हैं, यहाँ पर मैं ऑडिशन दे रहा हूँ। कहते हैं, अच्छा, अगर तुम ऑडिशन दे रहे हो, तुमने शो किया है, तो तुम्हारा बजट कितना होगा? कहते, जितने में रख लो, मैं फ्री में भी करने को तैयार हूँ। मुझे पता है जोक पे हंसी आए ना, ये सही है। कुछ भी बिस्ती कर दी बेचारे। अभी नहीं, तुम बाद में। एक बार क्या, गाड़ी चल रही, सामने सारा तोता, मैं तोता, यार अब तोते, तोता क्या करता? आपका तोता करता होगा ऐसा एग्रेसिव तोता। अब मैं चल के गया, भाई पेट्रोल खत्म हो जाएगा, चल ले तो गाड़ी चले। तोता आ रहा, वो हो गया दोनों टक्कर। हाँ, तोता हो गया बेहोश। हाँ, आदमी को आया गुस्सा, उसने डाला उसे पिंजरे में। हाँ, ठीक है, पिंजरे में। तोते को होश आया, तोता बोलता है ना,
लगता है ड्राइवर मर गया, जेल हो गई। तो पाजी इसको काफी सिंपल कर देते हैं। हाँ। अपने फेस ऑफ टाय रहा, ओके। आपका फेस ऑफ टाय रहा, ओके। ठीक है, आपको मिल गया दो मौके, ओके। इनके साथ भी मिल गया, इनके साथ भी मिल गया, आप टाय पे रहते हो, ओके। इनको मिल गया अभी तक एक मौका, हाँ। इनके साथ टाय रहा, ओके। अब हम दोनों का दूसरा मौका है, जो जीतेगा वो चैलेंज जीते। तो मैं हट गया, आप जीत नहीं सकते, आप टाय पे हो, ओके। आ जाओ, मैं बहुत दूर से हम खड़े थे और हम बहुत दूर खड़े हुए थे और हम देख रहे थे और हमने जो देखा तो हमें दिखा के भाई चार अंडे ऐसे उबल रहे थे, क्योंकि हम पास गए तो चार अंडे नहीं उबल रहे थे, चार टकले कूद रहे थे। कैसे? It was a very nice. भाई ने बताया हुआ जोक था ये। नहीं, ये मेरा बचपन का जोक है। अच्छा, ये तो ना भाई, ये बहुत देर से रुकी थी, भाई ने मना भी किया था, नहीं ये तो मतलब कुछ भी है। वेरी गुड, वी ट्रस्ट यू सक्सेस। अब मेरी बात, ऋषि हजा यार, मैं तो वो है नहीं, अब ये किस्मत है, अब अपनी है। हाँ, ये कैसे करा, क्या करूं, दो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे स्कूल में, कहाँ स्कूल में, कंटीन में बातें कर रहे। भाई तुझे चीनी भाषा पढ़नी आती है क्या? दूसरे ने पता क्या बोला, आप पढ़नी तो आती है अगर अंग्रेजी और हिंदी में लिखी हो तो। आपकी बारी। गाइस याद रखिए, अगर इन दोनों ने कोई भी नहीं हंसे तो टाई हो गया, तो फिर से टाई हो गया, मतलब रिमोट अपने टाई कर दिया। चलो एक्शन। ओके, इधर देखिए, ओके। ये पहले तो आंखों से फंसाती है, हाँ, बंदा डूब जाता है, अदाए दो तीन करते आदमी घुस जाए, फिर इन्वॉल्व करके हरा देती है। हाँ, रेडी एक्शन। अगर आपका नाम रोज है, डोंट टच मी, व्हाट इज दिस? हाँ, ही गेट्स रोज। अगर आपका नाम, आई गेट गूज़बम्प्स। ओह गॉड। अगर आपका नाम रोज है और मैं चाहती हूँ कि आप मून पर जाओ, तो आप कैसे जाओगे? मैं बस आपको बोलूंगी गुलाब जामुन। ये इसने मलेशिया में भी मारा था, मैं तभी भी नहीं हंसा था, इसने अपना चांस गवा दिया, अच्छा वाला चांस था। मैंने कहा था भाई पर इल्जाम लगाती हुई भाई है मैं। बोले पापा आप बहुत किस्मत वाले हैं। बोला क्यों? बोले आपका बच्चा फेल हो गया, आपको नई किताबें लेने की जरूरत नहीं है। ये जोक था, ऐसे टाई बना के रखे, ऐसे टाई बना, तो हम सब टाई हैं। हाँ, हम लोग एक दूसरे को बीट नहीं कर सकते बैड जोक्स में, बैड जोक्स बहुत बुरे जोक्स थे। गिव अप सब, माइक पकड़ो, माइक ड्रॉप। तो गाइस ये पता नहीं आज हमने क्या किया है, ये कभी कभी वैसे भी कर लेते हैं क्योंकि हमको तो प्रोफेशनल, हम अपने जोक मार लेते हैं, हमें जोक पता नहीं है तो हमने जोक पढ़ पढ़ा के मार डाले। अंदर के बहुत सारे जोक हमारे अंदर के निकल के बाहर आ रहे थे जो हमने आप लोगों के सामने रखे, इसे दूसरी भाषा में कहते हैं पीछे। और वैसे भी हम लोग एक बहुत बड़ा त्रिकोण जोक है, ओके, त्रिकोण। ये था हमारा बैड जोक्स चैलेंज, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आप भी इतने ही बुरे बुरे जोक्स बोल के अपने दोस्तों को पकाते रहे, परेशान करते रहे। कोई बैड भी होते हैं, उसी से इंस्पायर होके हम आए हैं यहाँ पे आपके लिए बैड जोक चैलेंज लेके आके आए हैं। तो अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यार आप ना हमेशा वीडियो के एंड में बोलते हो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, आजकल आप लोग बीच में बोलते नहीं, बीच में नहीं बोलते, बिल्कुल यार कर दो जाके सब बोला गया। ओके, कौन बोलेगा भाई? सर गाइस इस वीडियो को कितने लाइक्स मिलने चाहिए घटिया जोक्स के साथ? गाइस 90,000 लाइक्स। सो अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया हो प्लीज लाइक्स का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, यस यार, शेयर कीजिए बहुत सारा, और सब्सक्राइब का बटन आ चुका है, सब्सक्राइब कीजिए। और मोइना क्या खरीदे भाई? एक तो बेल का आइटम, बेल का आइटम आ गया, बेल का आइटम आ गया, उस आइटम को ऐसे दबा दो, है ना, फिर क्या खरीदे तुम बताओ ना? मर्चेंडाइज मेरी मेंबरशिप। हम अभी तक क्यों भीख मांग रहे?
मैं नीचे मैं जाने से पहले मर्चेंडाइज खरीदो। हाँ तो जाने से पहले जाने से पहले गाइस 3 2 1 गो वी मोर लव लव ए ए क्या बैड जोक ओके जनाब, सो सब में से जो बेस्ट जोक था, बेस्ट वाला जोक बात करूं तो वो था गौरव का, वो जैसे टकलू वाला कि आपने बाल मम्मा से लिए कि पापा से, उसने कहा मम्मा से तो नहीं लिए पापा से लिए क्योंकि पापा इज गंजे। बैड योग से याद आया कि मुझे भी कुछ बैड योग आते हैं कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है इसका नाम नहीं लूँगा, चलो कोई बात नहीं, नाम लेने का फ़ायदा क्या। वो कान पे जुराबें डाल के ना कहते मुझे गधा कहो, हंसी नहीं आएगी मुझे पता है, दिस इज अ बैड जोक जानी। ओके मेरा एक दोस्त मुंह के बल लोटा डाल के ना उल्टा करके कहता मुझे हाथी कहो हाथी कहो, दिस इज अ बैड जोक जानी पता हंसी नहीं आएगी। मेरा एक दोस्त रात के अंधेरे में, ठीक है उसका कोई मर गया था तो उसने फूल लेके, उसने सोचा जाके फूल डाल के आता हूँ उसकी कवर पे, ठीक है तो रात का टाइम था जा रहा था वहाँ पे स्पीड ब्रेकर आया, ठीक है तो उसने सोचा कवर रात थी वहाँ पे स्पीड ब्रेकर पे फूल डाल के वापस आ गया कि उसके जो मरा उसकी कवर है, दिस इज अ बैड जोक। ऐसे ही ये भी बैड जोक थे, ये भी मैंने इन्हीं से सीखे हैं या कहीं ना कहीं से तो सीखे ही होंगे, ठीक है। बाकी वीडियो की बात करें तो अच्छी थी, मज़े वाली थी, आई मिस यू गाइस, सच्ची में मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, रिमोरो लव यू हो गया आप लोगों से, अच्छी वीडियो थी, मज़े वाली थी, सारी अच्छी थी, एक दो जोक मुझे अच्छे लगे बीच में, जो कि ऋषि वाले भी अच्छे थे। ओके मोहना ने एक जोक मारा लेकिन मुझे उसकी वो हंसी नहीं आई थी, उसकी हंसी देखे ना मोहना की हंसी ऐसी है कि आप उसकी जब हंसी सुनते हो या देखते हो तो आपको सुन के ही हंसी आना शुरू हो जाती है क्योंकि वो पूरा मुँह खोल के ना हा हा करके हंसती और आपको पूरा उसका भी वैसे ही। मोहना इज क्यूट यार, बड़ी प्यारी बंदी है, जो भी है क्या करे कुछ नहीं कर सकते सही। बाकी अच्छी वीडियो थी, मज़ा आया मुझे देखे, मैंने इन्जॉय किया। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जैसे कि रिमोरव ने कहा, ठीक है। दूसरा बेल आइकॉन बटन दबा देना, उसका क्या होगा, बेल का बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिला करेंगी जब भी वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। और लास्ट वाला, आपने उनकी मर्च खरीदनी थी और यहाँ पर आपने मेरे चैनल की मेंबरशिप खरीदनी है, इतनी सी बात है तो कर दो यार, क्या कर रहे हो, अपने भाई को सपोर्ट करो, प्यार दो, मेंबरशिप खरीदो, मोटिवेशन और मिलती है, सब्सक्राइबर्स से मिलते हैं मोटिवेशन और मिलेगी। सोचो यार मैं फुल टाइम यूट्यूबर बन जाऊँ, सारा दिन रिएक्शन बनाया करूँ, दिन में कितने रिएक्शन आएंगे सोचो सोचो, ठीक है। बाकी अच्छी वीडियो थी, मज़े वाली थी, इंजॉय किया मैंने, आई होप कि आपने भी इंजॉय किया, तो इंजॉय किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने सब्सक्राइब कर दिया। बाकी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और आज बाल मेरे थोड़े ख़राब हैं तो इसको भी इग्नोर करिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस, लव यू, टेक केयर।